हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो। तो अभी मैं आज का ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी को हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, अभी जो है रात हो ही गई है, जो अभी 7 बज गए हैं। तो मैं आपको हमारा घर दिखाता हूँ, हमने कैसा बना रखा है, एकदम लाइटिंग वाइटिंग लगा करके। सही लग रहा है वैसे, मतलब गाँव में। मम्मी से बोलते हैं तो मम्मी को दीपावली में आज कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है अभी तेरे को आज दीपावली है? ठीक लग रहा है। तो मम्मी जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने से की कौन चाहिए आ तुम लोगों सब सुना दीवाली मुबारक हो। तो गाइस, मेरी तरफ से भी और मम्मी की तरफ से भी आप सबको दीपावली मुबारक हो। इसमें पटाखे फोड़ता हूँ फिर बम पटाखे, आप भी बने रहे ब्लॉग में, आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइस, हम अनार जलाते हैं फिर। मैं अनार ला रहा हूँ, मतलब पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, ये देख सकते हैं छोटा सा अनार ला रखा हूँ, इसको जलाते हैं और आपको भी दिखाऊंगा। और आज जो है ऐसा हो रहा है, और लाइटिंग वाइटिंग कुछ ऐसी हो रही है, और पीछे पूरा अंधेरा हो रहा है नीचे खेतों में, और ऊपर हमने लाइट लगा रखी तो इसलिए मेरा फेस पूरा क्लियर दिख रहा है। तो गाइस, मैं अनार जलाता हूँ फिर। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं दीपावली में एकदम चहल पहल हो रही है, और जो हमारे देश के सिपाही हैं, जो हमारे सिपाही भाई हैं, उनके लिए मैं एक दिया अलग से जलाऊंगा। और मैं कहाँ पे जलाता हूँ आप भी बने रहे ब्लॉग में, आपको भी दिखाता हूँ। जो हमारे देश के जवान हैं और जो हमारे शहीद भाई हैं, उनके लिए मैं एक दिया जलाऊंगा दीपावली के दिन। बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिया जलाना तो बनता है गाइस। और मैंने यहाँ पर दिया रख रखा है, अपने घर के वहाँ पर रख रखा है, नीचे तो हवा चल रही है इसलिए मैंने यहाँ पर ही रख रखा है। तो गाइस, अभी फ़ोन पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अगर मैं फ़ोन कहीं पर रख पाऊँ, अगर आपको दिखा पाऊँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रख रखा है, जला तो नहीं रखा है, तो मैं जलाने के बाद मिलता हूँ आपको। तो गाइस, मैंने दिया जला दिया, आप देख सकते हैं, जो हमारे शहीद भाई हैं उनके लिए तो जला दिया है। दिया जलाने के बाद मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम जो मतलब एकदम बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है। जो हमारे सिपाही हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे लिए वो ड्यूटी करते हैं, दिन रात बॉर्डर पे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए तो एक दिया तो जला ही सकते हैं हम ना, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। तो हमने दिया जला दिया और भारत माता की जय, और टीका वीका लगा के एकदम बढ़िया लग रहा है। तो थोड़े पटाखे फोड़ता हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं ऐसे डर भी लगता है थोड़ा बहुत, तो एकदम भटभट भटभट, एक मिनट भी नहीं लगा पूरे पैकेट को फूटने में, 30 सेकेंड लगे होंगे मैक्सिमम, 30 सेकेंड भी नहीं लगे शायद से। तो अब तो आप नहीं फोड़ रहा, अब जो एक पैकेट और बचा है वो कल फोड़ूंगा। तो ज़्यादा फोड़ना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा क्या फोड़ो। तो मेरे सब्सक्राइबर उनसे क्या हो यार बेटा, मैं अनार जलाने दीपावली के उसमें अनार जलाता हूँ। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को दीपावली की। और पापा जो है थोड़ा शराब भी पी कर आ रखे हैं, तभी नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पर पापा अनार जलाएंगे, मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस, ये देख सकते हैं पापा पहाड़ी जुगाड़ लकड़ी ले रखे हैं, मतलब चूल्हे से लकड़ी ला रखे हैं, और अब जलाते हैं फिर अनार। पापा भी आ ही गए अब। तो गाइस, मैं आप ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ, मतलब ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। अभी तो पटाखे वटाखे मैंने ज़्यादा फोड़े नहीं इस बार, आपको मैंने बस दिखाई दिया है। तो गाइस, तो मैंने पटाखे ज़्यादा क्यों नहीं फोड़े आपको मैंने बता दिया है, पहाड़ में पॉल्यूशन हो जाता है, और एक रीज़न और था क्यों नहीं फोड़े। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।